गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिजनेस कम्युनिकेशन में परचेजिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने फंक्शंस और टाइप्स ऑफ परचेजिंग के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन बात करेंगे परचेजिंग मेथड्स की, क्रय की जो विधियां हैं, किन किन विधियों से क्रय किया जाता है या परचेजिंग की जाती है। तो क्रय की कई तरह की जो विधियां प्रचलित में हैं, किसी एक विधि को श्रेष्ठ या उपयोगी मानकर हर परिस्थिति में अपनाना उपयुक्त नहीं रहता है। विशिष्ट क्रय विधि का चुनाव क्रय की जाने वाली सामग्री की किस्म, आवश्यकता, समय, पूर्ति स्थिति, कीमतों में होने वाली जो उच्चावचन की प्रवृत्ति है और संस्था की वित्तीय स्थिति और क्रय नीति पर निर्भर करता है। अब जो आज की तारीख में जो विधियां जो प्रचलित है, तो मेथड जो है वो प्रचलन में है, उनमें है आवश्यकता अनुसार क्रय। इस विधि या इस नीति पर ये जो काम किया जाता है कि इसमें क्रय प्रबंधक को उतनी ही सामग्री क्रय करनी चाहिए जो कि तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जरूरी हो। इस विधि के अंतर्गत सामग्री का सुरक्षा भंडार नहीं रखा जाता है। यही कारण है कि इसका मुख्य उद्देश्य संस्था के निरर्थक भंडारण समस्याओं, अप्रचलनता व कीमतों के उच्चावचनों में नियत जोखिमों से बचाना होता है। औद्योगिक क्षेत्र में ये विधि बहुत पुरानी है। ये 1930 की जो महान मंदी थी उस समय व्यापक पैमाने पर इस विधि को अपनाया गया था। अब तेज गति से संचार और परिवहन के जो साधन हैं और उत्पादन का जो विकेंद्रीकरण की सुविधाएं उपलब्ध है, तो इस विधि को व्यापक पैमाने पर अपनाने में विशेष योगदान इसमें रहा है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इस विधि द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ अल्पकालिक एवं भ्रामक है, क्योंकि आपूर्तिकर्ता फर्मों को यथासमय सुपुर्दगी देने हेतु बड़ी मात्रा में सामग्री का संग्रहण करना पड़ता है तथा बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोजन करना पड़ता है। सामग्री का मूल्य बढ़ जाता है, इस प्रकार क्रेता फर्म की भंडार लागतें आपूर्तिकर्ता फर्म को स्थानांतरित हो जाती है। सामग्री की लागत में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। सुरक्षा भंडार की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः सामग्री की जो वहन लागत लगभग समाप्त हो जाती है। सामग्री तालिका छोटी हो जाने से अनावश्यक रूप से जो कार्यशील पूंजी है वो उसमें नहीं फंसती है और इस कार्यशील पूंजी का कहीं दूसरी जगह प्रयोग किया जा सकता है। उत्पादन की जो विधियाँ हैं उसमें मांग, फैशन आदि में होने वाले जो परिवर्तन है उनके साथ इसको एडजस्ट किया जा सकता है या इजी रहता है। साथ ही सामग्री के मूल्यों में जो होने वाले उच्चावचन है उसकी जोखिमें भी इसमें समाप्त हो जाती है। ये विधि दोष मुक्त भी नहीं है। इस विधि के अंतर्गत तत्काल आदेश देकर सामग्री प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, अतः समय पर सामग्री प्राप्त करना कठिन ही नहीं बल्कि थोड़ा असंभव सा भी लगता है। तो समय पर सामग्री प्राप्त नहीं होने की दशा में उत्पादन में अवरुद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। इस विधि के अंतर्गत बाजार सर्वेक्षण का पर्याप्त अवसर भी नहीं मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वांछित किस्म की सामग्री अपेक्षित शर्तों एवं छूटों पर प्राप्त करने में कठिनाई आती है। ये विधि केवल सामग्री को ऐसी मदों के क्रय के लिए ही अपनाई जा सकती है जिसकी आवश्यकता बार बार न होती हो एवं उत्पादन लागत के दृष्टिकोण से भी इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता हो। दूसरी विधि है इसमें अग्रिम क्रयण विधि। इस विधि के अंतर्गत सामान्य स्तर पर उत्पादन एवं औसत सुपुर्दगी समयों के अनुसार संयंत्र को निरंतर चालू रखने के लिए वांछित न्यूनतम सामग्री से अधिक की खरीद की जाती है। अग्रिम खरीद विधि कहलाती है। ये विधि उत्पादन व्यवधान की जोखिमों को न्यूनतम करती है, क्योंकि इसमें की गई अग्रिम खरीदों का
उपयोग अभाव की स्थिति में किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत बड़े पैमाने पर खरीद के लाभों को अतिरिक्त व्यापारिक बट्टों एवं छूटों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इस विधि के प्रयोग द्वारा अधिप्राप्ति लागतों में भी कमी की जा सकती है। इस विधि में इस बात की गारंटी है कि वांछित किस्म की सामग्री आवश्यकता के समय उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट है अनुबंध क्रयण विधि। इस विधि के अंतर्गत एक लंबी समयावधि के लिए निश्चित समयांतरों पर निर्धारित मूल्यों पर शर्तों के अनुसार आवश्यक सामग्री क्रय करने का अनुबंध कर लिया जाता है। यह विधि प्राय ऐसी वस्तुओं के क्रयण हेतु अपनाई जाती है जिनकी आवश्यकता बड़ी मात्रा में निरंतर रूप से होती है तथा जिनकी भावी पूर्ति में कमी होने पर मूल्यों के बढ़ने की संभावनाएं प्रबल होती है। नेक्स्ट है बाजार आधारित क्रयण विधि। इस विधि के अनुसार क्रय उस समय किया जाता है जब वस्तु विशेष के भाव बाजार में न्यूनतम होते हैं और भविष्य में उनके बढ़ने की संभावनाएं अत्यधिक होती है। इस विधि के अंतर्गत परचेजिंग की सफलता बाजार प्रवृत्तियों के सतत गहन अध्ययनों जैसे संभव विशुद्ध कीमत पूर्वानुमान एवं अनुभवी क्रय अभिकर्ताओं की दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। क्रय अभिकर्ताओं की इस विधि द्वारा की जाने वाली खरीद का उद्देश्य भविष्य में बढ़ने वाले भावों से सुरक्षा प्राप्त करना होता है, न कि परिकाल्पनिक लाभ कमाना। ऐसी खरीद पूर्ण रूप से वित्तीय पहलुओं और उत्पादन कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर की जाती है। नेक्स्ट है परिकाल्पनिक क्रयण विधि। परिकाल्पनिक क्रयण विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत की जाने वाली खरीदों का उद्देश्य भावी मूल्य वृद्धि से लाभ कमाना है। कभी कभी अग्रिम क्रयण विधि एवं परिकाल्पनिक क्रयण विधि को एक मान लिया जाता है क्योंकि दोनों ही विधियां भारी मात्रा में सामग्री की खरीद पर बल देती है। अग्रिम खरीद विधि में पर्याप्त सामग्री आरक्षण का उद्देश्य प्रमुख निर्णायक घटक होता है ताकि प्रक्रियाएं सामग्री के अभाव में अवरुद्ध न हो सके और विपरीत पूर्ति स्थितियां संस्था के सामान्य उत्पादन तथा औसत सुपुर्दगी समयों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न कर सके। जबकि परिकाल्पनिक क्रयण विधि में की जाने वाली भारी खरीद का उद्देश्य कीमतों में होने वाली वृद्धि का लाभ उठाना होता है। अग्रिम क्रयण विधि में की जाने वाली खरीदों का आधार उत्पादन नियोजन एवं कार्यक्रम होते हैं, जबकि परिकाल्पनिक क्रयण विधि में की जाने वाली खरीदों का आधार भावी अभिवृद्धित कीमतों पर अतिरिक्त सामग्री का विक्रय करने के लाभार्जन पर होता है। व्यवहार में परिकाल्पनिक क्रयण विधि को व्यावसायिक नीति एवं नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं माना गया है, कारण कि उद्योग का उद्देश्य निर्माणी प्रक्रियाओं के जरिए समाज के लिए वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करके लाभार्जन करना होता है, न कि निर्माण हेतु क्रय की गई सामग्री को ऊंचे मूल्यों पर बेचकर लाभ कमाना। यह विधि पूर्णतः पूर्वानुमानों पर आधारित होती है और ये क्रय अधिकारियों को श्रेष्ठ परिकल्पनों के रूप में प्रशिक्षण देना इसमें संभव नहीं है, नहीं तो काफी कठिन हो जाता है और अशिक्षित व्यक्तियों के पूर्वानुमान सही प्रमाणित हो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, इसलिए इस विधि को अधिक उपयुक्त नहीं माना गया है। ऐसे में इस विधि का अनुसरण बाजार में अनिश्चितता, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी एवं वस्तु अभाव जैसी दशाओं एवं प्रवृत्तियों को जन्म देता है जो व्यवसाय एवं समाज दोनों के लिए हानिप्रद होती है। नेक्स्ट है निविदा या टेंडर क्रयण विधि। क्रयण में पक्षपात संरक्षण तथा व्यक्तिक प्राथमिकताओं को समाप्त करने के लिए टेंडर द्वारा क्रयण प्रचलन बढ़ता जा रहा है। निजी क्षेत्र के संगठन प्राय इस विधि को
इस समय अपनाते हैं, जबकि 50,000 रुपये से अधिक की सामग्री क्रय करनी हो। सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए ये विधि काफ़ी प्रचलित है। इस विधि में सामग्री आपूर्ति के लिए उस टेंडर देने वाले व्यक्ति या फर्म को चुना जाता है जिसका टेंडर सबसे न्यूनतम कीमत का होता है। नेक्स्ट है शून्य या जीरो स्टॉक क्रय विधि। इस विधि में क्रेता फर्म की ओर से विक्रेता फर्म अपने या सामग्री का स्टॉक रखती है, इसलिए इसे शून्य स्कंद या स्कंद विहीन क्रय विधि कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंकेट आदेश विधि। इस विधि को फर्में प्राय कम कीमत वाली सामग्री मदों जिन्हें सामग्री तालिका वर्गीकरण की दृष्टि से सी श्रेणी में रखा जा सकता है, ये क्रय हेतु अपना सकती है। नेक्स्ट है इसकी दर अनुबंध विधि। यह विधि सरकारी विभागों द्वारा सार्वजनिक संगठनों में अपनाई जाती है। इस विधि के अंतर्गत क्रेता फर्में उन विक्रेता फर्मों से संपर्क करती है जिन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल के साथ दर अनुबंध कर रखा हो। यह दर अनुबंध एक निर्धारित अवधि के लिए किया जाता है। क्रेता विक्रेता मदों की दरों के संबंध में वार्ता द्वारा तय कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रणाली अनुबंध विधि। प्रणाली अनुबंध या सिस्टम अनुबंध, इसमें संपूर्ण निगम की तकनीक है जो न्यून प्रशासनिक व्ययों तथा पर्याप्त व्यावसायिक नियंत्रणों सहित क्रेता और विक्रेता को पुनरात्मक उपयोग सामग्री अथवा सेवाओं के पुनरादेशन को सफल बनाने हेतु विकसित की गई है। इस विधि को उन सामग्री मदों के परचेज करने के लिए अपनाया जा सकता है जिनकी प्रति इकाई लागत बहुत कम होती है और उपयोग भारी मात्रा में होता है। लास्ट विधि है इसकी केंद्रित क्रय विधि। यह क्रय विधि के साथ साथ क्रय नीति भी कहलाती है। इस पर संयंत्री प्रतिष्ठानों के सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि सभी संयंत्रों के लिए सामग्री का क्रय केंद्रीय स्तर पर किया जाए या सभी संयंत्र अपने से संबंधित सामग्री अलग अलग क्रय करें। ये व्यवस्था बहुत कुछ प्रतिष्ठान की अपनी संगठन व्यवस्था पर निर्भर करती है। तो ये प्रमुख रूप से परचेजिंग के मेथड्स हैं। धन्यवाद।